वो देश का सम्मान नहीं अपमान है। वो सच्चा पहलवान नहीं हैवान है। वो पहलवानी का सुल्तान नहीं शैतान है। वो देश का नाज नहीं धोखेबाज है। वो रेसलर नहीं क्रिमिनल है। उसको अपनी ताकत पर घमंड था। उसको अपनी शोहरत का गुमान था। वर्ल्ड चैंपियन सुशील लगातार चौथा खिताब अपने नाम किया है। You can hear them shouting all around the stadium. Second goal of the Commonwealth. वो खेल के लिए नहीं, जेल के लिए बना है। वो तालियों के नहीं, गालियों के काबिल है। पहलवान की क्राइम कथा। नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। सच्चा पहलवान भगवान की तरह होता है, क्योंकि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए हमेशा करता रहा। लेकिन एक सनकी पहलवान उसी ताकत का इस्तेमाल अपनी अकड़, झूठे रौब और अहंकार के लिए करता है। देश के नामी ग्रामी पहलवान ने भी अपने अहंकार के लिए ताकत का इस्तेमाल किया और तब अनर्थ हो गया। अब वो तौलिए से चेहरा छुपाए फिर रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। तौलिए से ढका ये चेहरा कभी देश की पहचान था। पहलवानी का सुल्तान था, एक अच्छा इंसान और सच्चा पहलवान था। गर्दन से नेल्सन करने साथ के साथ ही डेंजर की पोजीशन पर ले आए। रेफरी की उद्घोषणा का इंतजार और ये बाई फॉल के आधार पर विदाई रहे। वर्ल्ड चैंपियन सुशील। लेकिन अब ये देश की शान नहीं, उस पर धप्पा बन गया है। ये पहलवान से अपराधी बन गया है। पहले इस शख्स की पूरी पहचान सुन और जान लीजिए। नाम सुशील कुमार, पता बपरोला गांव नजफगढ़ दिल्ली। पहचान अंतरराष्ट्रीय पहलवान। अवार्ड्स, 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 बार गोल्ड मेडल, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। लेकिन अब यह पहचान बदल चुकी है, क्योंकि दौलत, शोहरत और बुलंदियों के घोड़े पर सवार इंसान जब जोश में अपना होश खो बैठता है तो पल भर में वो बेबसी, लाचारी के गहरे दलदल में फंस जाता है। उसकी जिंदगी किसी काल कोठरी में पड़ी एक बेजान शय की मानिंद हो जाती है, जिसके हिस्से में अंधेरे के सिवा कुछ और नहीं आता। उसके उम्मीदों के चिराग की लौ हमेशा के लिए बुझ जाती है। सुशील की हालत भी आज वही है। हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ पहलवान सुशील कुमार ने जोश में होश खोकर एक गलती कर दी, जिससे उनकी चकाचौंध जिंदगी में अंधेरा खुल गया है। शोहरत और इज्जत खाक में मिल गई है। सुशील कुमार पर एक जूनियर खिलाड़ी के कत्ल का आरोप है और पुलिस ने उन्हें 1 महीने की फरारी के बाद दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आशंका है कि मुंडका से रोहतक की तरफ सुशील आगे बढ़ रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने आज अर्ली मॉर्निंग में फरार रेसलर सुशील कुमार और उसका साथी अजय अलियास सुनील को दिल्ली का मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सुशील कुमार और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पिछले लगभग 20 से ज्यादा दिनों से सुशील कुमार फरार चल रहा था। पुलिस ने सुशील के ऊपर 1 लाख का इनाम तो उसके साथी अजय के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया था।
सुशील बार बार पुलिस को चकमा दे रहा था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल से क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस की लगभग एक दर्जन टीमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब में डेरा जमाई हुई थी, लेकिन जब जब पुलिस सुशील कुमार के नजदीक पहुंचती वो पहले ही भागने में कामयाब होता रहा। सूत्र बताते हैं कि सुशील लगातार सिम और मोबाइल फोन बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। इधर पुलिस के मुताबिक सुशील पुलिस को चकमा देने के लिए 4 मई को सागर धनखड़ की हत्या के बाद 5 मई को ऋषिकेश में बाबा के आश्रम में रुका, 6 मई को मेरठ टोल पर कार में देखा गया, 7 मई को वापस दिल्ली लौटा, तो 8 मई को हरियाणा के बहादुरगढ़ और 9 मई को बहादुरगढ़ से चंडीगढ़ गया, 11 मई को चंडीगढ़ से बठिंडा, 13 मई को बठिंडा से चंडीगढ़ और 15 मई को चंडीगढ़ से गुरुग्राम पहुंचा, 19 मई को गुरुग्राम से दिल्ली आया और 23 मई को दिल्ली से गिरफ्तारी हुई। सुशील और अजय अलियास सुनील, ये पीएस मॉडल टाउन के एफआईआर नंबर 28/21 धारा 302 जो कि अन्य एक रेसलर की हत्या का मामला से संबंधित है, उसमें ये दोनों वांटेड चल रहे थे। सुशील के ऊपर 1,00,000 रुपया और अजय अलियास सुनील के ऊपर 50,000 रुपया का इनाम भी हमने घोषणा किया था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी आगे की तफ्तीश जारी है। सुशील को छुपने में बबलू नाम का शख्स मदद कर रहा था जो बहादुरगढ़ का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस का बार बार एक स्टेटमेंट आ रही है कि भाई ये पहले शालीमार बाग गया, मॉडल टाउन गया, एक सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस ये दिखा ले कि सुशील जी वहाँ पे कहीं गए हैं, एक वीडियो रिकॉर्डिंग ये बता रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग में खाली है कि सुशील कुमार जी किसी को छुटवा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सुशील कुमार के दोस्तों ने 4 मई को सागर और उसके साथियों के साथ दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में मारपीट की और उन्हें पिस्तौल दिखाकर अगवा कर लिया। सुशील के दोस्त सागर और उसके साथियों को मॉडल टाउन से छत्रसाल स्टेडियम में ले गए जहां सुशील कुमार खुद भी प्रैक्टिस किया करते थे। वहां सुशील और उसके दोस्तों ने सागर और उसके साथियों को जमकर पीटा। इस पिटाई के बाद सागर के साथी तो बच गए लेकिन सागर धनखड़ की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि स्टेडियम के सीसीटीवी फुटेजेस में साफ तौर पर सुशील कुमार सागर को पीटते हुए देखे गए। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में सुशील ने कबूल भी कर लिया है कि वो मारपीट में शामिल था और उसका कहना है कि उसे पता नहीं था कि मारपीट में सागर को इतनी चोट लग जाएगी जिससे उसकी मौत हो जाए। पुलिस का कहना है कि सागर सुशील का बहुत बड़ा फैन था और कभी उसे अपना उस्ताद मानता था। पुलिस के मुताबिक सागर कुछ महीने पहले तक मॉडल टाउन के जिस फ्लैट में रहता था वो सुशील कुमार की बीवी का था। कुछ दिन पहले सागर ने उस फ्लैट को खाली कर दिया था लेकिन उसने 2 महीने का किराया नहीं दिया था, जिससे सुशील कुमार भड़क उठा और साथियों को भेजकर उसे अगवा करवा लिया। इसके बाद 4 मई की रात सागर की पिटाई कर दी गई जिससे उसकी मौत हो गई। यानी गुस्से और अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए भविष्य के एक पहलवान की जान ले ली गई। पुलिस ने सुशील पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर कोर्ट में पेश कर लिया है जहां कोर्ट ने उसे 6 दिन की पुलिसिया रिमांड पर भेज दिया है। हमने कोर्ट को अप्रोच किया पुलिस रिमांड के लिए, अब ऑनरेबल कोर्ट ने 6 दिन का पुलिस रिमांड दिया। पुलिस ने दलील दी थी कि कुछ और लोगों को अरेस्ट करना है, तो हमने कोर्ट को बताया कि ऑलरेडी 5-7 आदमी 7 पर्सन के इन्होंने NVW इशू कराए हैं दिल्ली पुलिस ने, तो पुलिस रिमांड किस लिए चाहिए? क्योंकि जो डेथ हुई है वो गोली चलने से डेथ नहीं हुई, वो मारपीट से हुई। MLC कहती है कि सिर में चोट लगने से हुई है, तो दिल्ली पुलिस को 7 दिन का 12 दिन का पुलिस रिमांड किस लिए चाहिए? नथिंग एल्स। जब सारे लोग हर किसी का एड्रेस इनका एड्रेस रिपोर्ट पर आ चुका है तो आज सुशील कुमार को 7 दिन के लिए किस लिए था? तो ऑनरेबल कोर्ट ने 6 दिन के लिए पुलिस रिमांड दिया। जिस सागर धनखड़ की हत्या हुई उसके माता पिता मांग कर रहे हैं कि सुशील कुमार से सरकार सारे सम्मान वापस ले ले और उसे फांसी की सजा दी जाए क्योंकि उसने एक होनहार पहलवान की जानबूझकर हत्या कर दी है। जी मैं तो न्याय की मांग करता हूँ, मेरे बेटे के साथ जो करे वो किसी के साथ ना हो, ऐसे डॉक्टर। अब सुशील कुमार को फांसी मिलेगी या नहीं ये तो कोर्ट और कानून तय करेंगे, लेकिन सुशील कुमार और विवादों का नाता पुराना रहा है। आइए सुशील कुमार से जुड़े विवादों पर भी एक नजर डालते हैं।
सुशील कुमार पहली बार तब विवादों में आए जब साल 2017 में वो 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिए थे, लेकिन इसी बीच उनका मुकाबला दिल्ली में प्रवीण राणा से हुआ। मुकाबले में सुशील कुमार जीते, लेकिन उसके बाद उनके और प्रवीण राणा के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई थी। इसकी शिकायत पुलिस थाने में भी की गई, लेकिन बाद में बात आई गई हो गई। साल 2016 में रियो ओलंपिक से पहले वो तब विवादों में घिर गए थे जब 74 भार वर्ग में हिस्सा लेने वाले पहलवान नरसिंह यादव ने उन पर डोपिंग में खुद को फंसवाने का आरोप लगाया था। तब सुशील कुमार चोट के चलते ओलंपिक क्वालिफायर में हिस्सा नहीं ले पाए थे और नरसिंह यादव ने भारत को ओलंपिक कोटा दिला दिया था। तो विवाद अब सुशील कुमार के लिए अवसाद बनते जा रहे हैं। आसमान में चमकता एक सितारा जब जमीन पर गिरता है तो कैसे काला और पत्थर जैसा दिखता है, सुशील कुमार उसका जीता जागता उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशील कुमार पर जिस पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप लगा है, कभी उस युवा पहलवान में सुशील कुमार अपनी छवि देखते थे, लेकिन 4 मई की रात को अचानक ऐसा क्या हो गया कि सुशील पहलवान की उससे दुश्मनी हो गई। सुशील पर आरोप है कि अपने साथियों के साथ मिलकर के सागर की ऐसी पिटाई की कि उसने दम तोड़ दिया। देखिए एक पहलवान के मौत की असल वजह क्या थी और क्यों सुशील कुमार पर अपने ही साथियों के साथ मिलकर के इस पहलवान की हत्या का आरोप लगा है। जिस पहलवान को देश के लिए मेडल जीतने पर सरकारें इनाम देती थीं, उसी खिलाड़ी पर हत्या के आरोप में 1,00,000 रुपए का इनाम रखा गया था। चैंपियन पहलवान पर एक होनहार पहलवान की हत्या का आरोप है। ये तस्वीरें देख रहे हैं, यही वो युवा पहलवान सागर धनखड़ है जिसकी हत्या के आरोप में सुशील कुमार अब जेल की सलाखों के पीछे है। पहलवान सागर ने कम उम्र में ही कुश्ती के रिंग में कई उपलब्धियां हासिल की थीं और उसका सपना देश का नाम रोशन करने का था, लेकिन एक झगड़े ने सागर के सपनों को पटखनी दे दी। आखिर 4-5 मई की देर रात ऐसा क्या हुआ था जिसमें एक युवा और उभरते हुए पहलवान की जान चली गई? 4 मई की देर रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई जिसमें 5 पहलवान गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल सागर धनखड़ ने 5 मई की सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सुशील और सागर के बीच झगड़ा क्या था जो बात यहां तक आ पहुंची? सच तो यह है कि सागर धनखड़ सुशील कुमार के करीबी थे। सागर धनखड़ के पिता का कहना है कि सुशील कुमार उनके बेटे की प्रतिभा से भी खासे प्रभावित थे। मानता भी था, ठीक साथ रखता था, साथ ले भी जाता था, जैसे भाई की शादी में है उसमें भी साथ रखा है। ठीक था, बोला अच्छा चल रहा है, तेरा नाम रोशन करेगा लड़का, बढ़िया है। जब सुशील कुमार ने सागर को रहने के लिए फ्लैट दिया हुआ था, सागर की प्रतिभा से प्रभावित भी थे, तो आखिर ये लड़ाई क्यों हुई जिसमें ना सिर्फ सागर की मौत हो गई बल्कि सुशील की शोहरत भी मिट्टी में मिल गई। सुशील की आदत है कभी से ही कि वो किसी को भी उभरता हुआ नहीं देखना चाहता। पहले भी हो चुका है, राणा के साथ हुआ था, नरसिंह यादव के साथ हुआ था, वो तो जग जाहिर है। और ये चाहता था कि जो भी बच्चा मेरे स्टेडियम में रहे मेरे नीचे ही रहे, और मेरे साथ जो मैं कब्जे वगैरह करता हूँ और जो प्रॉपर्टियों की डील करता हूँ उसमें मेरा साथ दें। एक सागर ने वो साथ नहीं दिया उसका। सुशील कुमार ने जिस शोहरत के दम पर छत्रसाल स्टेडियम को देश की कुश्ती का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया था, आज वही छत्रसाल स्टेडियम सुशील के पतन का गवाह बन गया है। सागर का परिवार अब अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहा है। जी मैं तो न्याय की मांग करता हूँ, मेरे बेटे के साथ जो करे वो किसी के साथ ना हो, ऐसे राक्षस को। सुशील कुमार ने पिछले कुछ समय में प्रॉपर्टी का धंधा शुरू किया था, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया था, और साथ साथ ये भी आरोप है कि सुशील कुमार प्लॉट्स, मकानों के और जमीनों के कब्जे में भी लग गए थे, अवैध कब्जे में, और उसके लिए वो स्टेडियम के अखाड़े में जो बच्चे आते थे उनका इस्तेमाल करते थे, उनको पैसे देके अपने साथ लेके जाते थे और उनका इस्तेमाल करते थे अपनी दबंगई को दिखाने में।
कहते हैं ना कि कामयाबी मिलना जितना मुश्किल होता है उससे ज्यादा मुश्किल होता है उसको बरकरार रखना, और ये बात सुशील कुमार पर एकदम सटीक बैठती है। प्रमोद शर्मा और अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक वक्त था जब सुशील कुमार देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया था। उसकी जीत देश की जीत होती थी। ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए मेडल जीतने वाला एक चैंपियन आखिर कैसे हत्या का आरोपी बन गया और कैसे उसने गुनाह की रिंग में कदम रख दिया, देखिए इस रिपोर्ट को आप। 2008 बीजिंग ओलंपिक कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल। बहुत खुशी है कि मैंने देश के लिए मेडल जीता और बड़ा अच्छा लग रहा। उतरते हुए फाइनल मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन बनने के। 2012 लंदन ओलंपिक कुश्ती में सिल्वर मेडल। और तैयार कौन पदक के लिए मुकाबला कैरी पर क्या खूबसूरती के साथ पीछे आए। लोगों ने इतना उत्साह बढ़ाया और सभी का आशीर्वाद था और आप लोग इतना प्यार करते हो सभी, तो मैं तो इसलिए मानता हूँ कि भाई आप लोग सभी की आशीर्वाद था, सभी ने दुआएं रखी थी। 2010, 2014 और 2018 कॉमनवेल्थ गेम कुश्ती में गोल्ड मेडल। एक रेसलर जिसने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया, एक रेसलर जिसे देश ने सिर आंखों पर बैठाया, जिसकी एक पटखनी विरोधी खिलाड़ी को चारों खाने चित कर देती थी, वो रेसलर देखते ही देखते क्राइम के रिंग में कूद गया। सुशील कुमार अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और जेल के सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। अपने साथी रेसलर की हत्या के आरोप में सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रविवार को गिरफ्तार किया। सुशील को गिरफ्तार करने वालों में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर शिव कुमार समेत कई अधिकारी शामिल थे। सुशील कुमार ने रेसलिंग की दुनिया में भारत को जो गौरव दिलाया था उसी की बदौलत उन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। सुशील कुमार पहलवान सतपाल के शिष्य होने के साथ साथ उनके दामाद भी हैं। सतपाल ने ही सुशील कुमार को पहलवानी के दांव पेच सिखाए हैं। अब सवाल है कि देश का नाम रोशन करने वाले सुशील कुमार आखिर जुर्म की राह पर क्यों चल निकले। दरअसल सुशील की कामयाबी के बाद हर वर्ग के लोग उसके करीबी बन गए थे, उनमें कुछ गैंगस्टर भी थे जिनका साथ सुशील को अच्छा लगने लगा। सुशील कुमार बहादुरगढ़ के गैंगस्टर राजीव उर्फ काला असौदा के संपर्क में थे। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर काला जठेड़ी से भी संपर्क में था सुशील कुमार। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार विवादित संपत्तियों को लेकर गैंगस्टर और कारोबारियों के बीच समझौता करवाता था। 4 मई को सागर धनखड़ की हत्या की वजह ये थी कि सुशील ने अपना फ्लैट उसे किराए पर दे रखा था। किराए को लेकर सुशील का सागर धनखड़ से विवाद हुआ था, जिसके बाद सबक सिखाने के मकसद से सुशील ने अपने साथियों के साथ मिलकर सागर की जमकर पिटाई कर दी थी। सुशील कुमार की गलत संगत के चलते ही उसका ध्यान कुश्ती से हटने लगा था। शायद इसी वजह से साल 2020 के ओलंपिक खेलों में भी सुशील कुमार ने जगह बनानी चाही, लेकिन वो ट्रायल मैचों के दौरान ही हार गए। आज की तारीख में एक जुर्म के आरोप में सुशील कुमार के सारे सम्मान और मेडल की चमक पर काले दाग लग चुके हैं। देश और कानून की नजर में अब सुशील कुमार हत्या का आरोपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।